नमस्कार, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता की पंजाब में जीत की खुशी में आज बदरपुर विधानसभा में हरिराम दायमा जी ने विशाल बाइक रैली की और पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। पंजाब की जीत से गदगद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने वार्ड में बाइक रैली निकली और दिल्ली की जनता को संदेश दिया कि पंजाब जीते हैं, अब एमसीडी में दिल्ली को जीतेंगे। होली के शुभ अवसर पर पंजाब की जीत दिल्ली वालों के लिए होली का तोहफा है। आगे क्या कुछ कहा हरिराम दायमा ने, आप सुनिए। क्षेत्र में कई वर्षों से लगातार लोगों की सेवा करते रहे, क्या लग रहा है ये जो विजय यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा? राम जी नेता जी, विधायक पूर्व विधायक राम जी नेता की तरफ से और बदरपुर के लोग दिखाना चाहते हैं कि जैसे आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने काम किया था, ऐसे पंजाब के अंदर भी काम करेंगे। बड़ी जीत है हमारी आम आदमी पार्टी की। एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं और पूरी बहुमत से एमसीडी जितानी है, जिसमें हम एमसीडी में काम कर सकते हैं। क्या लग रहा है इस बार जो है एमसीडी में परिवर्तन होगा, भाजपा हारेगी? भाजपा होगा तो कहीं भी नाम नहीं है इस टाइम, भाजपा ना प्रचार ना नाम है। और भाजपा जो है पैसे पे चल रही है, पैसे पे जोर लगा रही है और भ्रष्टाचार कर रही है भाजपा। हम सब क्षेत्रवासियों को बोलना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी में जोड़े, आम आदमी पार्टी की जनता बने और एमसीडी में लेके आए, जो भविष्य हमारी बच्चों का भविष्य बन सकता है हमारा। और सबको दिखाना चाहते हैं कि हमें जोश है और ये जोश कमजोर नहीं होने देंगे बिल्कुल। तो ये विजय यात्रा एमसीडी तक के चुनाव में विजय कर पाएगी? हाँ जी, ये विजय कर पाएगी। जो आपका माहौल देख ही रहे हैं आप, बदरपुर विधानसभा के अंदर पूरा जोश है और जोश के साथ एमसीडी पंजाब में जैसे जीती है, वैसे यहाँ एमसीडी जीत के रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी हमारे पूरे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं हुए हैं, जो इकट्ठे होने हैं कुछ अंदर हैं, कुछ बदरपुर से आ रहे हैं। और ये जो रोड शो होने जा रहा है बदरपुर विधानसभा में, पूरी दिल्ली में, बदरपुर वार्ड में, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक प्रचंड जीत हासिल करी है, जो पंजाब में एक आम आदमी पार्टी ने अपना दिल्ली की तरह परचम लहराया है, पूरी दिल्ली में एक बाइक यात्रा निकाली जा रही है, दिल्ली की जनता को पता लगना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर दी। आने वाले समय में पंजाब की जनता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी कि हमने आम आदमी पार्टी की सरकार बना के हमें एक विकास को पंजाब की ओर ले गए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की प्रचंड जीत से डर गई है, चुनाव आयोग के कमिश्नर के ऊपर दबाव बना के दिल्ली में जो होने वाले नगर निगम के चुनाव है उनको लेट करने की कोशिश करी है। लोकतंत्र की हत्या करने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे माहिर रही है, चाहे वो किसी भी तरह की लोकतंत्र की हत्या हो, लोकतंत्र की हत्या होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर दिल्ली के नगर निगम के चुनाव समय पर नहीं होंगे तो आने वाले समय में दिल्ली की जनता परेशान होगी। इन्होंने अपना सर्वे कराया, आम आदमी पार्टी सर्वे कराया, तो मैं आपको 272 में से 250 सीट आम आदमी की पार्टी नगर निगम में जीतने जा रही है। और इसी डर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को लेकर उम्मीद जताई है। मैं देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, बदरपुर विधानसभा की सम्मान जनता को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये यात्रा इसलिए निकाली जा रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें ली हैं, इतना बड़ा बहुमत पंजाब में मिला है। प्रकाश सिंह बादल हार गए, सुखबीर सिंह बादल हार गए, चन्नी हार गए अपनी दोनों सीटों से, सिद्धू हार गए, बड़े बड़े आदमी जो अपनी सीटों पर लड़ रहे थे, 50-50, 5-5 बार विधायक रह चुके थे, वो हार गए। तो इतना प्रचंड बहुमत मिला है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत ये बताती है, सिद्ध करती है, जब जनता बदलाव चाहती है तो पुराने से पुराने वटवृक्ष को उखाड़ के फेंक देती है। तो आज पंजाब की जनता ने जो मैसेज दिया है वो सारे देश में जाएगा और दिल्ली के अंदर जो एमसीडी चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए एमसीडी के अंदर भाजपा जो इस समय विराजमान है और वो जानते हैं कि हारने वाले हैं, इसलिए चुनावों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम भी ईंट से ईंट बजा देंगे, चुनाव टालने नहीं देंगे, दिल्ली में चुनाव होंगे और आम आदमी पार्टी जीत के भी दिखाएगी। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।